एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिमेट्रिसिटी और सुपरपोजिशन पे बेस्ड एक इनफाइनाइट ग्रिड का प्रॉब्लम किया था, जिसमें रेक्टेंगुलर शेप शेप का था, ठीक है, स्क्वायर शेप का ग्रिड था। आज हम लोग ग्रिड प्रॉब्लम ही करेंगे, बट ट्रेंगुलर शेप का है, ठीक है। इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इसी तरह बढ़ते जाएगा, इधर भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। बट शेप कैसा? ट्रेंगुलर शेप है, ठीक है। हमको पॉइंट ए और बी, मतलब किसी दो एडजेसेंट पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। इच रेसिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है, इच आर ओम है, इच है आर ओम, ठीक है। तो इसमें भी गाइज, हम लोग अगर सिमेट्रिसिटी, चूंकि इनफाइनाइट ग्रिड है तो सिमेट्रिकल होगा ही। अगर हम लोग सुपर पोजिशन की बात करते हैं तो इसमें हम लोग कैसे लगा सकते हैं? सुपर पोजिशन मेथड हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। सुपर पोजिशन मेथड क्या क्या बोलता था कि पहले किसी एक सोर्स को कंसीडर करेंगे और दूसरे को डीएक्टिवेट करके हम लोग उसके क्रॉस जो भी रेसिस्ट करंट निकालना होता है, वोल्टेज निकालना होता है, तो निकाल लेते थे। उसके बाद क्या होता है, दूसरे सोर्स को एक्टिवेट करके पहले वाले सोर्स को डीएक्टिवेट करके वोल्टेज और करंट निकाल लेते थे। उसके बाद जो फाइनल नेट वोल्टेज होता था, वो दोनों का क्या हो जाता था? सम हो जाता था विथ साइन के साथ, ठीक है। सो देखते हैं इसमें कैसे इसको हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस, यहाँ ए और बी है, ए और बी के बीच, ठीक है, दो रेसिस्टेंस है आर ओम का। और देखो, हम मानते हैं कि यहाँ पर एक सोर्स ऐसे है, आई करंट इंटर कर रहा है, और यहाँ से तो ओबियस है आई करंट इंटर करेगा तो आई लीव भी करेगा, है ना, आई लीव भी करेगा। अब देखो, ए पे आता है तो यहाँ से एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, चार रास्ता, पांच रास्ता, छह रास्ता, और सारे रास्ते में क्या बराबर बराबर आर ओम का रेसिस्टेंस है। अगर केस वन की बात करते हैं, केस फर्स्ट फर्स्ट, तो अगर हम लोग यहाँ से ए और बी के बीच देखें, ए और बी के बीच देखें, तो यहाँ से देखो गाइस, दिस पॉइंट इज ए, और यहाँ पे मेरा करेंट सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे करेंट सोर्स लगा हुआ है, इंटर कर रहा है, आई करेंट इंटर कर रहा है। तो हम लोग को निकालना है वी ए बी निकालना है। वी हैव टू फाइंड क्या होता है, क्या निकालना है हम लोग को, मोटो क्या है, वी ए बी फिगर वन की वजह से, दिस इज फिगर वन, तो फिगर वन की वजह से पोटेंशियल इसके क्रॉस निकाल लेते हैं कि कितना होता है। तो सबसे पहले पोटेंशियल निकालने के लिए करंट होना चाहिए। अब देखो, आई करंट इंटर कर रहा है तो छः भाग में बटेगा, तो इधर कितना जाएगा, आई बाई सिक्स, 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 ठीक है, एक दो, इधर कितना जाएगा, आई बाई सिक्स, मतलब छः बराबर बराबर भागों में बट जाएगा, ठीक है। मतलब इस ब्रांच में कितना करंट गया, आई बाई सिक्स गया। तो वी ए बी फिगर वन की मदद से निकालेंगे तो कितना होगा, वी ए बी इसका इसका रेसिस्टेंस कितना, आर ओम है, आर ओम है, तो वी ए बी कितना हो जाएगा, आई बाई सिक्स इंटू आर, ठीक है, ये आई बाई सिक्स इंटू आर फिगर वन की वजह से हो, ठीक है, इसको फिगर वन, ठीक। अब देखो, सेकेंड ब्रांच में यहाँ से करंट निकल रहा है, सेकेंड केस कंसीडर करते हैं, केस सेकेंड, आई होप दिख रहा होगा सबको, केस सेकेंड क्या है, बी से करंट लीव कर रहा होगा, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और बी से करंट क्या हो रहा है, लीव कर रहा होगा, ठीक है, बी से करंट क्या हो रहा है, लीव कर रहा होगा, कितना करंट लीव कर रहा होगा, आई करंट, क्योंकि आई इंटर कर रहा है तो आई लीव कर रहा होगा। कल हम बताए थे कि दिस इज करंट सोर्स, एक सोर्स ये हुआ, दो सोर्स ये हुआ, तो जब इस तरह का सोर्स लग जाए तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सुपर पोजिशन के मेथड, सुपर पोजिशन मेथड यूज कर सकते हैं। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ताकि प्रॉब्लम क्या हो जाए, ईजी हो जाए, ठीक है। देखो, सब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, इधर I करंट निकल है, इसका मतलब क्या होगा, सब तरफ से कितना I बाई सिक्स आया होगा, 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 I बाई सिक्स इधर से गया होगा, है ना, इधर से भी कितना गया होगा, I बाई सिक्स गया होगा, मतलब इस ब्रांच से देखा जाए तो कितना करंट गया होगा, I बाई सिक्स ओम गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग मोटा क्या है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल निकालना, ठीक है, क्या करना है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे निकालते, करंट इनटू रेसिस्टेंस क्या दे देगा, पोटेंशियल दे देगा, फिगर वन की मतलब फिगर टू, इसको क्या बोलेंगे, फिगर टू बोलेंगे, ठीक है। तो देखो, तो फिगर टू में देखो, ठीक, फिगर टू में, फिगर टू वी ए बी फिगर टू, फिगर टू टू में देखो क्या हो जाएगा, आई बाई सिक्स इंटू आर, ठीक, यही होगा।
अब देखो, अब हम लोग नेट निकाले, अब सुपर पोजिशन लगाते हैं। अब सुपर पोजिशन क्या कहता है, जो नेट भी ए बी होगा, भी ए बी वो किसके किसके वजह से होगा, भी ए बी फिगर वन की वजह से होगा प्लस भी ए बी फिगर टू की वजह से होगा, है ना, फिगर टू की वजह से होगा, ठीक, मतलब इसके वजह से भी होगा और इसके वजह से भी होगा, ठीक है गाइस। अब देखो गाइस, चूंकि इधर से करंट इंटर कर रहा है तो साइन की बात करते हैं कि एड यहाँ प्लस हो गया माइनस हो गया, तो चलो इसके बारे में देख लेते हैं। तो हम लोग शुरू के लेक्चर में क्या बोले थे कि रेसिस्टेंस जो होता है पावर को ऑब्जर्व कर रहा होता है, मतलब क्या एनर्जी ऑब्जर्विंग एलिमेंट होता है, मतलब करंट प्लस में इंटर करेगा माइनस में लीव करेगा। यहाँ पे भी देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, यानी प्लस में इंटर करेगा माइनस में लीव करेगा, मतलब दोनों तरफ ए का पोलैरिटी पॉजिटिव है, बी का पोलैरिटी निगेटिव है, मतलब बोथ पोटेंशियल क्या होगा, एडिटिव एडिटिव होगा, ठीक है, ऐड कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो भी ए बी कितना हो जाएगा, आई बाई सिक्स आर प्लस आई बाई सिक्स आर कितना हो जाएगा, आई बाई थ्री आर, ठीक है, जी ए बी कितना हो जाएगा, आई बाई थ्री आर। तो देखो भी ए बी अपन आई कितना हो जाएगा, आर बाई थ्री, और ये क्या होगा, भी ए बी अपन आर इसके अक्रॉस का वोल्टेज इंटू आर क्या दे देगा, इसके अक्रॉस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दे देगा, आर इक्विवेलेंट दे देगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर बाई थ्री। देखो गाइज, ये इनफाइनाइट ग्रिड का प्रॉब्लम है, हम लोग एक मिनट में, मतलब विद इन मिनट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह सुपरपोजिशन और सिमेट्रिसिटी किसी लार्ज सर्किट को सॉल्व करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक इन्फाइनाइट ग्रिड का ही प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक सा प्रॉब्लम होगा बट इन्फाइनाइट ग्रिड का ही एक प्रॉब्लम रहते हैं, ठीक है। सो इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। इधर इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, ठीक है, इधर इनफाइनाइट तक है, इधर नहीं है, इधर नहीं है बट इधर इनफाइनाइट तक है, ऐसा ग्रिड बनते गया, यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट सी है, इच जो है आर ओम है, आर ओम, इच रेसिस्टेंस कितना है, आर ओम है। हम लोग को क्या निकालना है, आर ए सी निकालना है, क्या फाइंड करना है, आर ए सी क्या होगा, ए और सी के क्रॉस आर ए सी क्या होगा। देखो गाइस, हम लोग क्या पढ़े थे कि इनफाइनाइट ग्रिड प्रॉब्लम था तो क्या करते थे, तो एक तो टेस्ट वोल्टेज अप्रोच मेथड लगाते थे, इस टर्मिनल के क्रॉस एक बैटरी, वी वोल्ट का बैटरी लगा देंगे और यहाँ से जो करंट जाएगा, ठीक, यहाँ से जो करंट जाएगा तो वी बाई आई क्या दे देगा, या आर ए सी दे देगा, ठीक है। तो ये तो मेथड पढ़े थे। अब देखो इसमें हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं सिमेट्री, चूंकि यह इनफाइनाइट प्रॉब्लम है तो इसमें भी सिमेट्री होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन इसलिए लिए ताकि सिमेट्री में कौन सा मेथड लगाना बेटर होगा, कटिंग मेथड कब बेटर होगा, फोल्डिंग मेथड कब बेटर होगा, ठीक है, मिरर सिमेट्री कब बेटर होगा, ठीक है, ये हम लोग देखने के लिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। अब देखो गाइस, इरेज कर देते हैं इसको, देखो अब देखो, अगर हम लोग एक बी बी के अलोंग इधर से रेसिस्टेंस एक मिरर लगाते हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री, अब हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री में पढ़े थे कटिंग मेथड में कि इसको शॉर्ट कर देते थे, फिर मिरर वाले मेथड पढ़े थे, चूंकि ये सिमेट्री पे हुआ था करंट जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाने के का मतलब इससे कोई करंट जीरो हो गया, इससे मतलब सिमेट्री पे लाई करने का मतलब क्या होगा, इसके थ्रू जो करंट होगा आई होगा जीरो होगा, इसके थ्रू जो करंट होगा आई होगा क्या होगा जीरो होगा, इसके थ्रू जो करंट होगा क्या होगा जीरो होगा, इसका मतलब हम लोग को सोचना है कि क्या शॉर्ट करेंगे तो इजी होगा या ओपन रिमूव कर देंगे, तो दोनों कर सकते हैं ना, ठीक है। कटिंग मेथड में तो पढ़े थे कि हम लोग कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इजी बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देखो तो यानी कि ड्यू टू सिमेट्री रेसिस्टेंस एलोंग बी हैज नो रोल, ठीक है, इस पूरे बी के एलोंग जितना भी रेसिस्टेंस होगा उसका कोई रोल नहीं है, किसकी वजह से, सिमेट्री की वजह से, मतलब इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब देखो, अब अपना ये सिंपल लेडर प्रॉब्लम हो गया, ठीक है,
अब देखो सिंपल लेडर लेडर प्रॉब्लम हो गया, हम लोग को आर ए सी निकालना है, ठीक है। आर ए सी निकालना है मतलब यहाँ से रेसिस्टेंस देखेंगे तो आर ए सी आएगा। अब देखो यहाँ पर देखो एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन। अब देखो फिर अगर हम यहाँ से कट मारते हैं तो क्या है? फिर ये रिपीट मार रहा है, फिर इस जैसा ये है वैसा ये रिपीटेशन हो रहा है। मतलब क्या बोल सकते हैं, साढ़े के बदले इसका इक्विवेलेंट को एक्स मान लेते हैं। तो क्या इस पॉइंट से भी अगर देखेंगे तो एक्स ही दिखे, क्योंकि कैसा है इनफाइनाइट ग्रिड है, पूरा इनफाइनाइट है, ठीक है। ये अब लेडर प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो क्या दिखेगा? एक्स ही दिखेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपली क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक गया, ठीक है, सिंपली ऐसे बना देते हैं और इधर एक एक्स ओम का लगा देते हैं। एक्स ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, और यहाँ से देखेंगे तो हम लोग क्या दिखेगा, एक्स ही दिखेगा। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। तो देखो तो यह दोनों आपस में क्या हो गया, यह दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल में सॉरी, दो रेसिस्टेंस है बीच में, दो रेसिस्टेंस है आर आर ओम। तो देखो ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में। तो इन दोनों के बदले हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों के बदले हम एक दो टू आर का रेसिस्टेंस लगा दें, यानी इन दोनों के बदले क्या कर दें, एक टू आर ओम का रेसिस्टेंस लगा देते हैं। अब देखो यह दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, टू आर एक्स अपन टू आर प्लस एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो अब सर्किट क्या बन गया, फिर से इसको रिड्रॉ द सर्किट, ठीक है। सिंपली करना क्या है, सर्किट को रिड्रॉ करना है, ठीक है। सोल्यूशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, आर हो गया और ये कितना हो जाएगा, टू आर एक्स बाई टू आर प्लस एक्स, और दिस इज आर, और यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, एक्स दिखेगा। अब देखिए तीनों आपस में क्या सीरीज हो गया, यानी यह इक्विवेलेंट है ए बी, ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट है, यानी इक्विवेलेंटली देखेंगे तो क्या होगा, एक्स बराबर क्या दिखेगा, आर प्लस आर टू आर प्लस टू आर एक्स अपन आर प्लस टू आर प्लस एक्स, ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आर का कुछ वैल्यू होता, ठीक है, सपोज आर का वैल्यू वन ओम टू ओम गिवेन होता, ठीक है, तो हम लोग इजीली इसको क्या करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड हेंस वी फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस ए एंड सी। सो गाइस इस तरह हम लोग लैडर प्रॉब्लम में आ गए, मतलब इनफाइनाइट ग्रिड से हम लोग लैडर प्रॉब्लम में आ गए, ठीक है गाइस। सो गाइस आज का सेशन यहीं पे अपना समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लैडर प्रॉब्लम के कंसेप्ट को देखेंगे, कैसे इस लैडर प्रॉब्लम को और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग यहाँ पर सिंपली सॉल्व किए हैं, जैसा मेथड होता है वैसे सॉल्व किए, लेकिन इसको और हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, इसमें एक और सिमेट्री मार सकते हैं, ठीक है। एक और सिमेट्री कैसे लगाएंगे, ठीक है, उसमें हम लोग इनफाइनाइट लैडर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।